कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बाबरपुर से कांग्रेस ने पहली बार महिला उम्मीदवार के तौर पर अन्वेक्षा त्रिपाठी जैन को उम्मीदवार बनाया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए सुभाष चोपड़ा करीब 3 घंटे की देरी से पहुंचे। मौके पर सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली की बेहतरी के लिए कांग्रेस ने ही बुनियाद रखी। दिल्ली में बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल कॉलेज बनाने का श्रेय कांग्रेस को है। सुभाष चोपड़ा ने मौजूदा सरकार की घोषणाओं को तत्कालिक करार दिया। दिल्ली का मुख्यमंत्री चयन की नींद सोता रहा, दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर के गुंडे मास्क पहन के लोगों को, बच्चियों को पीटते रहे और दिल्ली की पुलिस बाहर जागती रही, उनको जाने दिया, अंधेरा कर दिया गया। मैं दोनों जगह वहां मौजूद था। अरे जिस बात जो मुख्यमंत्री को अपने बच्चों की रक्षा करना ना आता हो, जो मुख्यमंत्री देश के आने वाले भविष्य की रक्षा उनकी आवाज ना बने, ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जिले के अध्यक्ष कैलाश जैन की पुत्रवधू अन्वेक्षा त्रिपाठी जैन को उम्मीदवार बनाया है, जिसके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नरेश गौड़ और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल सरकार के मंत्री और प्रदेश में पार्टी के संयोजक चुनाव मैदान में हैं। सबसे पहले बाबरपुर क्षेत्र विधानसभा का जो एक विकास होना था, जो एक सर्वांगीण विकास होना था, जो हमसे जो है वादा किया गया था, वो पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। ना कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना सड़कें बनी हैं, पानी इस तरह का आ रहा है कि पीना तो दूर की बात, आप उसमें हाथ भी नहीं डाल सकते हैं। और ये सारे जो है बहुत सारी 200 यूनिट बिजली, जिसको कि कांग्रेस पार्टी 600 यूनिट कर देगी, ये सारे जो है 200 यूनिट बिजली और ये सब पानी वगैरह, ये सब चुनावी मुद्दे बन के रह गए हैं और ये देश देख रहा है। बाबरपुर विधानसभा सीट पर अलग अलग समय में बीजेपी, कांग्रेस और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दो दिग्गज उम्मीदवारों के बीच इस विधानसभा क्षेत्र की पहली महिला उम्मीदवार कितनी कामयाब साबित होती है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।